अर्चना जी, आज हमारे यहाँ दो बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। इनका एक बहुत ही प्यारा गाना रिलीज हुआ है, मेहंदी वाले हाथ। तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड सिंगर गुरु रंधावा एंड वेरी ब्यूटीफुल संजना सांगी। हाय मैम। हाय संजना, ह्यूज फैन, थैंक यू सो मच। वीडियो में बाकी रह गया था कुछ? इधर आके भी शुरू हो गया, मतलब वेलकम करने वाला था आपका। भाई मैं तभी रुक गया कि मजा आने लगा ना एक्टिंग करने का। गुरु और संजना के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही प्यारा गाना है और बहुत ही कमाल का वीडियो है। थैंक यू भाई, थैंक यू। और आपका बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। आप जिस तरीके से आ रहे थे मुझे लग रहा था नई नई शादी हुई, रिसेप्शन हो रही है। कितना गुरु, आप कब से जानते हो संजना को? जब से वीडियो शूट हुआ है। लगता नहीं है ना? लगता है, जैसे सालों से जानते हो आप। इतने कॉन्फिडेंस के साथ तो मैं अर्चना जी के साथ नहीं आया, हम तो इतने सालों से जानते हैं। पर वाह, नहीं मैंने आप ही सीखा है। मैं इससे कहाँ सीखा, मैं बातों में ही हूँ बस ऐसे। आप ही ने तो बताया था कि अगर जब भी मेरे शो पे आना है तो मेरे को बता दिया कर पहले लड़की कौन सी आ रही है, उस हिसाब से बुलाऊंगा। तो इन्होंने मैम मुझे लिस्ट दे रखी है 15-16 हीरोइन की। मेरे को वो लिस्ट दिखाना कि अभी इस बार बोल रहे थे। अच्छा, मैंने कहा वो संजना को ले लिया, मैंने कहा जल्दी पहुंच फिर। देखो वैसे सिंगल आदमी का कितना फायदा है। हाँ। कहीं पे भी डबल हो रहा है। पिछली बार नोरा के साथ आए थे, इस बार संजना के साथ। वाह, और हम यहाँ पे गुड इवनिंग। हम शनिवार ही बस थोड़े अच्छे से कपड़े पहन के, बाकी दिन हम बरमूडा पहन के घूमते रहते हैं अंधेरी में हमें, मतलब। पर बड़ा ही कमाल का वीडियो आया आपका, बड़ा ही खूबसूरत गाना है और आप दोनों ने बहुत ही बाकमाल काम किया है। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हमने बहुत ही स्पेशल अपने सोल्जर्स के लिए गाना बनाया है और मैं उसमें एक सोल्जर का रोल प्ले कर रहा हूँ। एंड संजना एक जिसकी शादी होने वाली वो रोल प्ले कर रही है, जिसकी शादी होने वाली है। डिसमिस कर दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सोल्जर्स को ये गाना बहुत प्यारा लगे और उनकी फैमिलीज के लिए बनाया, उनके लिए बनाया और सारे हिंदुस्तान के लिए बनाया। वी लव आवर सोल्जर्स, थैंक यू सो मच। अच्छा, संजना ने तो डेब्यू रॉकस्टार से किया था, am I right संजना? Yes sir, उसके बाद चाइल्ड एक्टर हैं? हाँ, मैं 13 साल की थी रॉकस्टार के टाइम। हम तो 14 साल में जवान हो जाते हैं। आप अपने आप 13 साल में बच्चा बोलते हो, ठीक है। पर हाँ, बड़ी बड़ी कमाल की फिल्म थी और बड़ा अच्छा काम किया था। थैंक यू। और लास्ट ईयर भी इनकी बड़ी अच्छी फिल्म आई दिल बेचारा और अभी इन्होंने गुरु के साथ जो सिंगल किया है। कितनी कम उम्र में आपने इतने बड़े बड़े काम कर लिए हमारे शो में आने के लिए। सो प्राउड ऑफ यू सर। इट वाज ऑल फॉर दिस, इट वाज ऑल एडिंग अप टू बी हियर। अच्छा, तो बैक स्टेज मेरे को बोल रही है कि मैं ये स्टेज पे बात बोल दूं कि मेरा बचपन यहीं से शुरू है। कपिल क्या बात कर रहे हैं, बुला तो नहीं मानेंगे, मतलब मुझे बोल रही थी। मुझे लगा आप गुस्सा ना हो जाओ। कब की बात है ये? देखो ये होता था कि स्कूल से जब मैं वापस आती थी तो लगातार नहीं देख पाते आप। इतना ग्लो है ना, लाइट इतनी है, मतलब क्या बात है, कितनी प्यारी हो संजना आप। अच्छा, फिर जब स्कूल से आती थी हैं तो रिकॉर्ड करते थे हम आपका शो। अच्छा, हाँ, लाइव नहीं आता था आपके गांव में? हाँ, मेरा गांव दिल्ली जो है, पढ़ाई के बीच बीच में स्ट्रेस बस्टर के लिए आपका शो। वाओ, सिंस आई वाज 8 इयर्स ओल्ड। अच्छा, नहीं यार, इतने भी पुराने। कौन सा शो, मतलब ये वाला शो? उसके पहले वाला शो तो नहीं देखती रही? तब तो मैं भी बच्चा था, मेरा लाइसेंस थोड़ी बना था तब। हाँ, जैसे ही मैं पकड़ा गया कि मैं अभी बाल मजदूरी कर रहा हूँ, वहां से निकल गया मैं। सोनी पे आके मेरा लाइसेंस बना है। अच्छा। मुझे याद है स्कूल में व्हेन आई वाज ए किड, उस समय ना और किसी बाकी दिन तो बहाने वाने लगाता रहता था। 1947 की बात कर रहा था। शूटिंग शुरू होगी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई। थोड़े से ना मैं खुद बड़ा डिस्टर्ब रहा हूँ सेट पे ना जब शूट कर रहा था। अच्छा, इंग्लिश बोलती थी बहुत ज्यादा पारी। मैंने तो 3-4 बार सेट पे जाना मना कर दिया। गलत पिक्चर पेंट कर रहा है, टू मच इंग्लिश है, क्योंकि मैं जब कैट इज आउट ऑफ द बैग ऐसे ऐसे लाइन बोलने लग जाती हूँ। कैट इज आउट ऑफ द बैग, ये व्हाट इज दिस, मतलब कैट आउट ऑफ द बैग, ये क्या ही नहीं है। देखो गुरु सीक्रेट बहुत रखता है। हाँ, बहुत सीक्रेटिव है। अच्छा, हाँ, तो कैट इज आउट ऑफ द बैग है जब उसकी पोल खुल जाती है, और बहुत होता है उसकी पोल खुलती है तो बोलना पड़ता है। It's too much English. Cat is out of the bag. Running out of the bushes. Yeah. हमें सिखाओ सुनना एक दो चार चीजें। कैमरा बंद कर दो, हमारी अपनी ट्रेनिंग के लिए। मैं अपनी बीवी के सामने बोलूंगा जाके कि गिनी
cat is out of the bag. पर नहीं क्या इसका वो जिस दिन पकड़ेगी ना तेरे को तो वो तेरे को बोलेगी the cat is finally out of the bag. वो तो फिर out of the home ही करेगी मेरे को सीधा. अच्छा चलो मैं अब धंधे पे आता हूँ. मेन अपनी बातें करते हैं. जैसे मैंने सुना है संजना की लड़कियां जो मेकअप यूज करती हैं ना उसमें ना शेड्स बड़ी आती हैं, आइवरी और क्या वो हनी और पता नहीं क्या क्या. करेक्ट. तो जो आप ग्लो कर रही हैं ये भी कुछ शेड मार्केट में अवेलेबल है या मनी मन में आप मुझे आई लव यू बोल के ऐसे खुद ही खुश हो रही है? अच्छा किसी के मन की बात का मुझे पता नहीं, हम अपने मन की बात तो बोल ही देते हैं पर आप बहुत प्यारी लग रही हैं. माँ के प्यार का शेड. माँ के प्यार का शेड क्या बोला है? नहीं प्यार तो हमारी माँ भी बड़ी करती है, हमारा ग्लो पता नहीं कहाँ गया, हमारे आया ही नहीं कभी. सर फिर बटर चिकन और नान खा के बहुत ग्लो आता है. मैं एक चीज करती हूँ कि मैं डाइट नहीं करती. अच्छा. और अच्छा खाना खाने से काफी कुछ हो जाता है. एक एज तक आप खा सकते हो, अब बच्ची हो ना आप, छोटी. हाँ, हो करेक्ट. अभी इसका खा लो खाना आप. फेस पर ग्लो पर नहीं आता, यहाँ आता है इसका सारा खाना और मेरा यहाँ. तो पांडे का उसको जैसे लगा ना उस पर आने लगी, कहता जितना तू पेट अंदर खींचता ना तेरी नाभि मुंह से रस्ते बाहर आ जाएगी किस दिन. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.